तो भाई सीधे काम की बात पर आते हैं। कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक्स होती हैं कि अगर मान लो आज आप कॉन्फिडेंट हो, आपने अच्छी तैयारी की है और आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप खुश हो। लेकिन अगर आपने वो गलतियाँ की तो वो आपकी खुशी को गम में बदल सकती हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने वर्ड यूज़ किया है वो वर्ड यूज़ किया है कॉमन, यानी कि ऐसी गलतियाँ जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं। और हो सकता है आप भी ये सारी गलतियां ना कर सकते हो, ना करते हो, लेकिन इनमें से कुछ गलतियां हो सकता है आप कर रहे हो अभी। तो इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, और जो भी स्टूडेंट इसे ध्यान से सुनेगा, समझने की कोशिश करेगा, वो डेफिनेटली इन बातों को अप्लाई कर पाएगा एक ही दिन के अंदर, ठीक है। हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए लागू होंगी, किसी भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप इस वीडियो को देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो मैं टारगेट कर रहा हूँ SSC CGL Tier 2 के लिए, लेकिन बेनिफिशियल हर एक एग्जाम के लिए होगी। तो जो भी स्टूडेंट इन बातों को सुनकर ध्यान से इनको अप्लाई करेगा तो वो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज कर पाएगा। जितनी भी नॉलेज के लिए उसने पढ़ाई की है डेफिनेटली पूरे पूरे मार्क्स ले पाएगा, ये मेरी गारंटी है, क्लियर है। यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि दो स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं, स्टूडेंट नंबर वन और स्टूडेंट नंबर टू, जिनकी तैयारी जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल है। देखो, दो लोगों की तैयारी बिल्कुल एग्जैक्टली इक्वल तो हो नहीं सकती, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल है। फिर भी उनके जो मार्क्स हैं, जो उनकी परफॉर्मेंस है, उनके अंदर काफ़ी गैप आ सकता है कई फैक्टर्स के ऊपर बेस्ड, ठीक है। वो सारे मैं अभी आपसे इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहला पॉइंट जो डिस्कस करूँगा कि आपकी स्टेट ऑफ माइंड क्या होनी चाहिए, आपके दिमाग की अवस्था क्या होनी चाहिए जब आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, और उस अवस्था को कैसे आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। और इस वीडियो का जो पूरा सार होएगा वो आपको सारे पॉइंट्स देखकर पता चलेगा, जब आपको सारी बातें समझ में आएंगी, धीरे धीरे अनफोल्ड होएंगी इसके अंदर। देन दूसरी बात कि आपको क्या रिवाइज करना चाहिए एग्जाम से एक दिन पहले, तो ये चीज़ मैं SSC CGL Tier 2 के हिसाब से बताऊंगा, ठीक है। बाकी उसके अकॉर्डिंग आप दूसरे एग्जाम्स में लगा सकते हो। देन हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम, बिकॉज यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो टाइम है उसी की सबसे बड़ी किल्लत होती है। नॉलेज की भी उतनी बड़ी किल्लत नहीं होती स्टूडेंट्स को लगता है, लेकिन मैं क्योंकि अगर उनको उसी पेपर के लिए अगर 4 घंटे दे दिए जाएँ, डबल टाइम दे दिया जाए, तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे, कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा मार्क्स ले जाएंगे अगर उन्होंने ठीक ठाक तैयारी की है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेट ऑफ माइंड, कि हमारी स्टेट ऑफ माइंड कैसी होनी चाहिए। देखो मेरे भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। मान लो दो पर्सन हैं। पर्सन नंबर वन, ये पर्सन है जो बिल्कुल काम है, बिल्कुल शांत है, और एक दूसरा पर्सन है ये कंफ्यूज्ड है या फिर नर्वस है। तो आप, और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि कौन सा पर्सन है जो बेटर परफॉर्म करेगा, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि जो काम है, जो शांत है, वो अच्छा परफॉर्म करेगा, और जो नर्वस है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, क्लियर है, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो ये जो कामनेस की स्टेट है ना, इसे कैसे अचीव करना है। देखो, एग्जाम के अंदर बैठकर, बाहर बोलना अलग बात है, एग्जाम के अंदर बैठकर काम होना एक डिफरेंट लेवल की बात है, और उसे एग्जैक्टली कैसे अचीव करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, और आप डेफिनेटली उसे अचीव भी कर पाएंगे। हाँ, लेकिन एक और बात मैं आपको आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, क्यों, बिकॉज आपको कुछ डाउट आएगा कि मैं तो इतना काम नहीं हो सकता। तो आपको एक मैं बात बता देता हूँ कि आपको बिल्कुल भी काम नहीं होना है, और उस चीज़ की प्रूफ के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूं जो कि है परफॉर्मेंस वर्सेस नर्वसनेस का। नर्वसनेस इस साइड बढ़ रही है और परफॉर्मेंस इस साइड बढ़ रही है, ठीक है। तो देखो, जब बंदा, ये ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से ऐसे। तो देखो, जब बंदा यहां पर नर्वसनेस इस तरफ बढ़ रही है ना, एक्स एक्सिस पर, जब बंदा कम नर्वस था, यहां पर कम नर्वस था, तो उसकी परफॉर्मेंस भी खास नहीं थी। जब वो थोड़ा सा और नर्वस हुआ, थोड़ा सा और ज्यादा, तो उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो गई। जब वो इतना नर्वस हुआ, इतना नर्वस, तो उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो अपनी पीक पर थी। मतलब मैं यहां पर कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कुछ लेवल की नर्वसनेस जरूरी होती है अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए। नर्वसनेस का मतलब होता है आप किसी इंपॉर्टेंट टास्क को कर रहे हो, किसी जरूरी चीज को कर रहे हो, तो नर्वस होना स्वाभाविक है। हाँ, हद से ज्यादा नर्वसनेस होना आपकी परफॉर्मेंस को एकदम से गिरा सकता है, ठीक है। तो देखो, ऑप्टिमम आप, अब आपको ये कोशिश नहीं करनी मुझे नर्वस रहना है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी आए, नहीं भाई, उतने नर्वस आप नेचुरली रहते हो। इंपॉर्टेंट काम को करने जाओगे, पेपर देने जाओगे, तो उतने नर्वस रहोगे,
मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जो आपको नर्वसनेस को कॉम्बैट करने में काम आएंगी, उसे हटाने में काम आएंगी। तो देखो, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपने क्या करना, कुछ बेसिक से बातें बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि नर्वस ना होने का इफेक्ट क्या होएगा आपके एग्जाम के अंदर, फिर डेफिनेटली आप काम हो जाओगे। तो कुछ आपने बस ये बातें ध्यान रखनी है। देखो, एक तो आपने पेपर से एक दिन पहले अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। हमारा दिमाग है ना, अपना दिमाग, वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर वाटर कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट कम होएगा तो सबसे पहले असर पड़ता है अपने दिमाग के ऊपर। ये नॉर्मली स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं और नॉर्मली आम जिंदगी में हेडेक से जीते रहते हैं, है? तो आपने अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है एक दिन पहले, डेफिनेटली पूरा ज़बरदस्त पानी पीना है। और पेपर में जाओगे उस दिन भी आपने सुबह पानी पीना है, इवनिंग की शिफ्ट है तो भी पानी पीना है। टॉयलेट करने वो जाने देते हैं एग्जाम से पहले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिहाइड्रेट मत रखना अपनी बॉडी को। और दूसरी बात, अब बात आ जाते हैं, ये तो चलो भाई बॉडी की एक फिजिकल बात हो गई। दूसरी बात है, जब स्टूडेंट्स पेपर हॉल के सामने खड़े होते हैं तो दूसरों से ये पूछते रहते हैं, तुमने कैसी तैयारी की, या फिर ये बातें डिस्कस करते रहते हैं कि भाई आजकल तो कट ऑफ बहुत ऊंची जा रही है, आज तक तो डिफिकल्ट पेपर आ रहे हैं। मतलब वहां पर जो चीज़ें वो डिस्कस कर रहे होते हैं वो मतलब कि एक हिसाब से नेगेटिव साइड को हो गई, कि वो बातें ये दर्शाती हैं कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं जाएगी। मतलब नेगेटिव साइड को हो गई ना, कि क्वेश्चंस टफ आ रहे हैं, कट ऑफ हाई जा रही है, स्टूडेंट बड़े तेज हो गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है। तो अपने माइंड को वो सबकॉन्शियसली ये बता रहे हैं कि तेरी परफॉर्मेंस अच्छी क्यों नहीं होगी। तो इस माइंडसेट से आपने बचना है। ये एक ऑब्वियस सी बात थी लेकिन फिर भी मैंने आपको यहां पर बता दी है, क्लियर है? और दूसरी और तीसरी बात, वहां पर जाकर इतनी ज्यादा आपने देखो बहुत ज्यादा बिना वजह की वहां पर आपने बातें नहीं करनी है। अपने आप को वहां पर आप परफॉर्म करने जा रहे हो, और ना ही कोई मतलब डांस वगैरह परफॉर्म करने नहीं जा रहे हो, ऐसे फन के लिए बारात में नाचने नहीं जा रहे हो, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी जॉब के लिए परफॉर्म करने जा रहे हो, ठीक है? तो आपने क्या है, आराम से कहीं अकेले बैठकर दूर आराम से अपने माइंड को स्टेट में रखना कि हाँ भाई मैं आराम से परफॉर्म कर दूंगा, क्वेश्चन ही तो है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये बातें मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, तीसरे नंबर वाली, क्लियर है? तो अब देखो, आपका नर्वस ना होने का इफेक्ट क्या होएगा आपके एग्जाम के अंदर, वो देखो। तो मैं दो सब्जेक्ट्स लेकर चलूंगा, बिकॉज टीयर टू के अंदर दो सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहला इंग्लिश एंड देन क्वांट। देखो इंग्लिश के अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो भाई इंग्लिश के अंदर होती है वोकैब, देन इंग्लिश के अंदर होएगी ग्रामर, देन इंग्लिश के अंदर होएगा अपना यूसेज वाला पार्ट, मतलब कि कितनी अच्छे से आप इंग्लिश को यूज करते हो, रीड करते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट। तो इन चीज़ों के ऊपर क्या क्या असर पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ के लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी चीज़ के क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वोकैब के आंसर्स आप यूज़ करते, वोकैब के आंसर्स अगर आप करते हो, वोकैब के क्वेश्चन को आंसर, तो आप यूज़ करते हो अपनी मेमोरी, सिर्फ अपनी मेमोरी यूज़ करते हो। अगर आपको याद है तो आप आंसर कर दोगे, तो आपके काम होने का असर हो सकता है वोकैब पर ना पड़े। लेकिन कभी कभी आप वोकैब के क्वेश्चंस के अंदर हिट एंड ट्रायल करते हैं ना, हिट एंड ट्रायल, ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो, तो जब आपका दिमाग आराम से फंक्शन कर रहा होता है तभी तो आप अच्छे से हिट एंड ट्रायल कर पाते हो। अब आ जाते हैं ग्रामर के रूल्स के ऊपर। देखो ग्रामर के अंदर क्या है, ग्रामर के अंदर है रूल्स। तो रूल्स को डेफिनेटली हम मेमोराइज करते हैं, हम मेमोरी को यूज़ करते हैं, लेकिन वोकैब के अंदर क्या होती है, मेमोरी डायरेक्टली यूज़ होती है, डायरेक्टली कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। लेकिन ग्रामर के अंदर वो जो मेमोरी है वो डायरेक्ट यूज़ नहीं होती, कि रूल याद है सीधा अप्लाई कर दिया, नहीं। हमें एक सेंटेंस को एरर अगर हमने करने हैं या सेंटेंस इंप्रूवमेंट अगर हमने करनी है तो हमें कई ऑप्शंस में से चूज करना है वहां पर, और मतलब थोड़ा सा उनको एनालाइज करना होता है। और जहां पर भी हम एनालाइज करते हैं वहां पर दिमाग का काम होना जरूरी होता है। तो देखिए आपने करना क्या है, आप जब भी इंग्लिश के क्वेश्चंस को पढ़ते हो, ग्रामर के क्वेश्चंस को पढ़ते हो, तो स्टूडेंट थोड़ी सी जल्दबाजी में रहता है, यार टाइम कम है, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी कर लेता हूँ। तो इस टाइम की किल्लत को हटाने के लिए भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। तो आपने जल्दबाजी में नहीं रहना है, इंग्लिश में तो वैसे भी टाइम पड़ा रहता है, ठीक है? जब आप जल्दबाजी में होते हो, उस काम को एकदम से निपटाने की सोचते हो, तो मतलब वो परफॉर्मेंस आपका दिमाग उतने अच्छे से एरर आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। अगर आप थोड़े से और ज़्यादा काम होते, उसी क्वेश्चन को 3 सेकंड 5 सेकंड और दे देते,
तो हो सकता है आप गलत की बजाय सही आंसर को टिक कर दो। तो मतलब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, जब भी आप एरर्स को पढ़ोगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को पढ़ोगे, तो उस वक्त आप क्या करते हो, उस वक्त आप एनालाइज करते हो। सेंटेंस को चार हिस्सों में तोड़ा होता है, उस वक्त फोकस चाहिए होता है, ठीक है, उस वक्त कामनेस चाहिए होती है। तो आराम से शांति से इंग्लिश के मतलब को समझते हुए, अब आपको लगेगा कि मैं शांति से क्वेश्चन को करने के लिए बोल रहा हूँ तो मैं तो आपको मरवाऊंगा, टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, ऐसे नुकसान आपका कराने में मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप इस चीज़ को अप्लाई कर लोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ऐसे टाइम लगता नहीं है, हम क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि क्वेश्चन को जल्दबाजी में हम गलत कराएं, बल्कि हम थोड़े से सेकंड और लगाकर हम अगर उसको ठीक कर देते हैं तो हमें ज़्यादा फायदा होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चीज़ है यूसेज की। अब यूसेज का क्या मतलब है कि भाई रीडिंग कंप्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंसेस, तो रीडिंग कंप्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंसेस, ये चीज़ें तो डेफिनेटली आप करते क्या हो, यहाँ पर आप एनालाइज करते हो सिचुएशन को, क्वेश्चन कंप्रिहेंशन को रीड करते हो, आपके सामने ही आंसर्स होते हैं, फिर भी कई बार स्टूडेंट आंसर नहीं कर पाते, मतलब यहाँ पर भी आपको फोकस चाहिए, आपका दिमाग कंसंट्रेशन हाई होनी चाहिए आपकी, तो वहाँ पर भी क्या चीज़ काम आएगी, वहाँ पर भी चीज़ आएगी जी कामनेस। तो आपने क्या करना है, देखो कभी भी जल्दबाजी में आरसी नहीं पढ़ना है। लोग पता नहीं टीचर्स ऐसी ऐसी ट्रिक्स बताते रहते हैं कि बिना आरसी पढ़े क्वेश्चंस को आंसर कर दो ऐसे, देखो उन फालतू की चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना है कि भाई मतलब कि सिर्फ एनालाइज कर रहे हो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, आराम से रिलैक्स होकर आरसी पढ़ो शांति से उसको समझते हुए, मतलब ये एक्चुअल बात बता रहा हूँ, आराम से शांति से उसको समझते हुए। मैं ये नहीं बोल रहा कि एक सेंटेंस को दो दो बार पढ़ो, ना, उसको पढ़ो। आपकी स्पीड अगर मान लो आपकी स्पीड 100 है तो लोग ये बोलते हैं कि 110% स्पीड का इस्तेमाल करो, नहीं, मैं बोलता हूँ भाई 90% स्पीड करो। आपकी एक्चुअल में जो स्पीड है एग्जाम में, आपकी जो रीडिंग स्पीड की बात कर रहा हूँ, रीडिंग स्पीड को 90% कर लो, क्योंकि आप पहले ही नर्वस हो, उस दिन आपको परफॉर्म करना है, तो चीज़ें अगर आप 110% स्पीड कर लोगे तो आपको 60-70% ही समझ में आएंगी, आधे क्वेश्चन आप वैसे ही छोड़ के आ जाओगे। तो आपको जो अपनी रीडिंग स्पीड है, हमें अपनी कंप्रीहेंडिंग स्पीड बढ़ानी होती है, समझने की क्षमता बढ़ानी होती है, ना कि पढ़ने की। तो थोड़ा सा शांति से थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा समझ पाएंगे, 100% बिल्कुल सारी बातें हम समझ पाएंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं ये नहीं बोल रहा कि स्लो पढ़ो, नहीं, मैं बोल रहा हूँ शांति से पढ़ो। इन दोनों चीज़ों के अंदर फ़र्क होता है, मतलब कि आपने जल्दबाजी नहीं करनी, शांति से पढ़ना है। आप शांति से पढ़ते वक्त थोड़े से स्लो तो होते हो, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो फास्ट होता है। आप कम टाइम में क्वेश्चन को कर जाते हो, क्योंकि दूसरा बंदा कर ही नहीं पाता जब वो जल्दबाजी में उसे पढ़ता है। तो ये तो असर पड़ेगा इंग्लिश के ऊपर, अलग अलग सेक्शंस, मतलब ग्रामर और यूसेज पे भयंकर असर पड़ने वाला है। देन क्वांट के अंदर मैं आपको एक बात बता दूं कि मेरे भाई क्वांट के क्वेश्चन में आप करते क्या हो, क्वांट के क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को रीड करते हो। क्यों रीड करते हो, ताकि आप एक सिचुएशन को, हर एक क्वांट के क्वेश्चन में एक सिचुएशन होती है, ताकि आप उसे अंडरस्टैंड कर पाएं, मतलब आपने चीज़ को समझना है, एक सिचुएशन को समझना है कि क्या हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, या फिर कितनी डिस्टेंस है, किस चीज़ को कंपेयर करना है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मतलब एग्जैक्टली करना क्या है, उस सिचुएशन को एक तो समझना है, और उसके बाद उस सिचुएशन को समझने के बाद एनालाइज करके उसको सॉल्व करना है। तो जब आपको ये पता लग गया ना सॉल्व कैसे करना है, वो क्वेश्चन बड़ा नहीं होता, कभी भी टाइम ज़्यादा नहीं लगता, कभी भी स्टॉप वॉच लगा कर देख लो, टाइम ज़्यादा लगता है कहाँ पर, मैं अभी आपको बताता हूँ। एक तो चीज़ को समझने में यहाँ पर गड़बड़ी करते हैं, और एक एनालाइज करने में लंबा रास्ता ले लेते हैं, मतलब यहाँ पर इस डिब्बे के अंदर गड़बड़ी होती है, और इस डिब्बे की गड़बड़ी को तभी अवॉइड किया जा सकता है जब आप काम हो, जब आप फोकस्ड हो, जब फालतू की वहाँ पर बातें करके एग्जाम हॉल के अंदर नहीं घुसे हो, और थोड़ा सा शांति से सिचुएशंस को समझ रहे हो, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, मतलब हम ये चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते कि भाई हम उसी क्वेश्चन को चार बार करेंगे, नर्वसनेस होने के कारण हम गलत गलत कैलकुलेशन करेंगे, फिर बार बार उसको करेंगे। तो अब ये जो कामनेस की स्टेट है, इसकी प्रैक्टिस आप कैसे कर सकते हो एक ही दिन के अंदर, वो मैं आपको लास्ट पॉइंट के अंदर बताने वाला हूँ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं कि भाई हमें क्या रिवाइज करना चाहिए, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट उसके अंदर हम करने वाले हैं कि एग्जैक्टली इस सारी स्टेट को कैसे हम अचीव कर पाएंगे। तो देखो मेरे भाई, इंग्लिश के अंदर अगर टीयर टू की बात है
तो इंग्लिश के अंदर आज आप रिवाइज कर सकते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, क्योंकि 25 से 27 क्वेश्चन इसके आते हैं। तो एक दिन पहले अगर किसी चीज़ के रिवाइज करने से फ़ायदा होता है, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो हो गए अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और दूसरे हो गए अपने एक्टिव पैसिव, ये ओबीएस था जब मैंने ऊपर वाला बताया तो आपके दिमाग में ये आना। तो ये दो चीज़ें मेरे भाई आप रिवाइज कर सकते हो इंग्लिश के अंदर, और एक दिन पहले। बाकी चीज़ें रिवाइज करके इतना खास मेरे को लगता नहीं है कि फ़ायदा होएगा, और होएगा भी नहीं। और क्वांट के अंदर क्या आप क्या रिवाइज कर सकते हो? देखो, क्वांट के अंदर अगर आप मेरा कोर्स कर रहे हो तो आप क्विक रिविजन पॉइंट्स कर सकते हो। किस चीज़ के? आप एडवांस के कर सकते हो। और आपने, और हाँ, अगर मान लो आप वैसे कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, कैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो क्विक रिवीजन पॉइंट्स का क्या मतलब है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आप कंसेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो। क्विक रिवीजन पॉइंट्स के अंदर मैंने कंसेप्ट्स ही दे रखे हैं, उनको समझा रखा है एक छोटी जगह पर। तो मतलब यहाँ पर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि क्वांट के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप एडवांस जो पोर्शन है आप करने को, तो आप अरिथमेटिक के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अरिथमेटिक के अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें रिवाइज मतलब मेमोराइज करने की होती नहीं है, वैसे तो एडवांस में भी समझने की होती हैं। तो आप कर क्या सकते हो, आप एडवांस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, बिकॉज इसके अंदर स्टूडेंट को डर लगता है इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ, उसके कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर सकते हो कि एल्जेब्रा के अंदर ये 10 कॉन्सेप्ट हैं या ये 15 कॉन्सेप्ट हैं। और अपने दिल को ये समझाना है कि मेरे भाई 100 में से 85 क्वेश्चन की गारंटी है। गारंटी तो 100 में से 95 क्वेश्चन की है कि जो भी आपने किया है, अगर आपने ठीक ठीक पढ़ा है, ठीक सोर्स से पढ़ा है, तो वहीं से आएगा, है, कितना भी पैटर्न बदल जाए। लेकिन एटलीस्ट चलो वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर चलते हैं कि 100 में से 85 क्वेश्चंस जो मैं कर रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट्स को ऐसे नहीं रिवाइज करना कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन दिस, उनको समझना है। वो किसी भी वे में आपको क्वेश्चन दे देता है, वैसे समझने का काम तो काफ़ी पुराना हो चुका, अब तक आप समझ चुके होंगे। तो बस एक बार उनको क्विकली रिवाइज करना है, ठीक है। और अपने आपको ये तसल्ली देनी है कि भाई 100 में से 85 तो आएंगे इसी से, तो बस मेरा माइंड जो है वो काम होना चाहिए। अब वो कैसे काम होएगा, उसको कैसे यूज करना, अब ये तीसरी बात आ गई कि हाउ टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। बिकॉज जितनी भी मैं आपको बातें समझा रहा था, उनका एक मेजर पोर्शन कामनेस का मेजर पोर्शन क्या था कि टाइम वेस्ट ना हो। जब आप नर्वस होएंगे बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्वेश्चन निकलेंगे नहीं, टाइम लगाते रहोगे तो पर क्वेश्चन टाइम बढ़ जाएगा। तो इसको आपने कैसे अवॉइड करना है, देखो देखो मेरे भाई, मान लो आपके सामने यहाँ पर मैंने समझाने के लिए 20 क्वेश्चन ले लिए। वैसे आपके एग्जाम के अंदर क्वांट के 100 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने समझाने के लिए मैंने सिर्फ 20 क्वेश्चन ले लिए। तो देखो आप ऐसे इमेजिन करो कि इस 20 क्वेश्चन में से आपने सिर्फ 17 क्वेश्चन करने हैं। तो अगर आप 20 क्वेश्चन में से 17 करोगे तो 20 पांजे 100, तो 100 में से 17 पांजे 85 क्वेश्चन आप कर लोगे, तो एनएफ स्कोर है। तो 20 में से अगर आपने 17 क्वेश्चन करने हैं, तो आपने कैसे नहीं करने और कैसे करने हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो कभी भी ये मत सोचकर चला करो। एक तो सबसे पहले स्टूडेंट टारगेट बना लेता है कि मेरे को 20 में से 20 करने हैं, 19 करने हैं, या टारगेट 17 का भी मत बनाओ। आप कैसे टारगेट बना सकते हो जब पेपर का डिफिकल्टी लेवल आपको पता नहीं है? हाँ, एक मोटा मोटा हम टारगेट बना सकते हैं, लेकिन इसको दिल पर मत लो, ठीक है। बस मैंने एक नंबर ले लिया 17, उसके अकॉर्डिंग मैं एक बार एग्जाम्पल लेके बता देता हूँ। तो अगर आपने 20 में से 17 क्वेश्चन करने हैं और आपके पास 15 मिनट का समय है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पहला पहला क्वेश्चन करोगे, फिर दूसरा करोगे, फिर तीसरा क्वेश्चन करोगे। एसएससी ने तो नहीं बोला ना कि इनको एक ऑर्डर में करना है, या फिर पहले पहले क्वेश्चन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेंगे, फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना जरूरी है, ऐसा तो नहीं बोला ना एसएससी ने, जरूरी तो नहीं है ना। तो 20 में से 17 क्वेश्चन आप करोगे, लेकिन एक और बात ये भी नहीं है कि मैं पहला करूंगा, दूसरा नहीं करूंगा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां नहीं करूंगा, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां नहीं करूंगा और ये सारे कर दूंगा, चलो कोई बात नहीं, बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए। नहीं, हमने ऐसे नहीं करना है। यहां पर ये क्या किया, मैंने एक राउंड के अंदर सारे क्वेश्चंस को कर दिया, लेकिन बीच में हो सकता है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हों जो आपका टाइम खा जाएं बुरी तरह, जो आपका टाइम खा जाएं, ठीक है। मान लो ये तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपका टाइम खा जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम खा जाएंगे, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं, ये 14 और 15, ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, आप टाइम देकर निकाल सकते हो इन क्वेश्चन को, लेकिन ये थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब देखो 20 में से 3 और 3 6, 20 में से अगर 6 तो 100 में से 30,
बीस पंजे सौ, तो छः पंजे तीस। अगर 20 में से 6 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके लिए बाधा बने हैं, तो 100 में से मैंने 30 क्वेश्चंस को निकाल दिया जो आपके लिए बाधा बन गए। या फिर एक और क्वेश्चन को निकाल ले लो यहाँ पर, कि ये क्वेश्चन आपका दिमाग खराब कर देगा। तो 20 में से 7, तो 100 में से 35 क्वेश्चन जो आपका दिमाग खराब करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने अब ये डायग्राम जब आप देख रहे हो, तो आपको लग रहा है कि हाँ यार प्रॉब्लम की बात तो है। क्योंकि देखो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपने पहला क्वेश्चन किया, आपने दूसरा क्वेश्चन किया, तीसरा क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, ये लाल क्वेश्चन है, आप इसके आसपास भी नहीं हो, तो आपका दिमाग थोड़ा सा ये हो गया कि यार पता नहीं आज तो कुछ हो ही नहीं रहा। आपने चौथा क्वेश्चन किया, पांचवा भी नहीं हुआ, दिमाग मतलब टाइम लेकर हो सकता था, लेकिन आप तो जल्दबाजी में हो, तो पांचवा क्वेश्चन नहीं हुआ, छठा भी नहीं हुआ, देखो कितने क्वेश्चन नहीं हुए, फिर सातवां हुआ, फिर आठवां भी नहीं हुआ, तो आपका तो माइंड खराब हो जाएगा ना ऐसे कि यार एक भी नहीं निकल रहा, 8 में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन आपसे निकले, सिर्फ 50 निकले, अब तो सिलेक्शन नहीं होगा, पापा को क्या बोलूंगा, समझ रहे हो। तो एक पहली बात आपने क्या करना है, कभी भी जब आप फर्स्ट राउंड में, जब आप राउंड वन लेते हो, मतलब क्वेश्चंस को पहली बार करना स्टार्ट करते हो, तो पहली बार में ना तो आपने 85 क्वेश्चन करने हैं, ना आपने मतलब 70 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है मेरे भाई। आपने ऐसे सोचना ही नहीं है मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं, आपने सिर्फ राउंड वन के अंदर वो क्वेश्चन उठाने हैं जो इजी हैं। हो सकता है बीच में आपको 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, ये तो सिर्फ मैं 20 क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, अगर मैं 100 क्वेश्चन का एग्जाम्पल लूंगा तो ऐसा भी एग्जाम होता है कि बीच में 5 क्वेश्चन लगातार एक सीरीज में थोड़े से नॉर्मल से ज़्यादा डिफिकल्ट आ गए, जो स्टूडेंट अचीव नहीं कर पा रहा है। तो आपने 85 का स्कोर अचीव तो करना है, ऐसी बात है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करना है, लेकिन आपने एक स्टेप के अंदर नहीं करना है, आपने सीधे 85 क्वेश्चन नहीं करने हैं। आपने क्या करना है, पहले राउंड के अंदर गिने चुने क्वेश्चन, मतलब 50% से थोड़े से ज़्यादा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उन क्वेश्चंस के अंदर जब आप ये 50% क्वेश्चंस करोगे, तो वहाँ पर आप 50% टाइम नहीं लोगे, ठीक है। या फिर मान लो 50% की बजाय आप 65% क्वेश्चंस कर रहे हो, तो वहां पर आप 65% टाइम नहीं लोगे, आप 45% टू 50% टाइम लोगे, वहां पर आप टाइम बचाओगे। देखो हर एक क्वेश्चन उतने टाइम में करने का नहीं होता जितना उस क्वेश्चन के हिस्से में टाइम आता है एग्जाम में, कई क्वेश्चंस कम टाइम में होते हैं, कई क्वेश्चन ज़्यादा टाइम में होते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने स्कोर तो आपने वही अचीव करना है कि भाई 100 में से इतने क्वेश्चन करने हैं, लेकिन आपने पहले राउंड के अंदर कम क्वेश्चन करने हैं, मान लो सिर्फ ये हरे वाले क्वेश्चन किए, उसके बाद आपने दूसरा राउंड लिया, तो दूसरे राउंड के अंदर आपने सिर्फ ये गुलाबी वाले क्वेश्चन किए, ठीक है मान लो ये भी हरा काट दो, ये सिर्फ गुलाबी वाले क्वेश्चन किए। आपने तीसरा राउंड भी लिया, और तीसरे राउंड के अंदर आपने सिर्फ ये वाले क्वेश्चन किए, ये वाले, आर यू गेटिंग मी, आपने ये वाले क्वेश्चन किए। तो मतलब आपने ऐसे स्कोर को अचीव करना है, आपने 3 राउंड ले लिए, फिर भी कई क्वेश्चंस आपने छोड़ दिए हैं और कई क्वेश्चंस आपने कर लिए हैं। तो अब आप देखो यहाँ पर सिर्फ हमने 3 क्वेश्चंस छोड़े हैं, लेकिन मतलब क्वेश्चन छोड़ के भी हमने 3 राउंड ले लिए हैं। तो इस बात को अपने दिमाग के अंदर रखिएगा कि अपने ऊपर बर्डन नहीं देना है 100% क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने का। तो मेरा मतलब ये नहीं है कि नहीं अटेम्प्ट करने, लेकिन एटलीस्ट हमने कई स्टेप्स के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। राउंड वन के अंदर सिर्फ इजी, राउंड टू के अंदर उसके बाद वाले इजी, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट मॉडरेट क्वेश्चंस, राउंड थ्री के अंदर अब वो क्वेश्चंस, बिकॉज जब आप 2 राउंड ले लोगे, मान लो आपने राउंड वन एंड राउंड टू ले लिया, यहाँ पर आपने मॉडरेट क्वेश्चंस कर लिए, तो अभी आपका कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, आपके पास टाइम भी काफ़ी बचा होगा, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इजी क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और ये चीज़ें डिटेल में मैं दूसरी वीडियो में समझा चुका हूँ, इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। उस वीडियो का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा क्वांट की का। तो उम्मीद करता हूँ कि इन चीज़ों को आप एग्जाम के अंदर अप्लाई करेंगे। और एक और बात यहाँ पर बताना चाहूँगा कि विजुअलाइज इट टू गेन एक्सपीरियंस एंड यूज इन एग्जाम, बहुत ही ज़रूरी है। देखो अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई बीच में कई सारे ऐसे क्वेश्चन फंस जाएंगे लगातार जो आपसे नहीं होंगे, या ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे लगातार जो आपसे होंगे, तो ना तो ज़्यादा एक्साइट होना है, ना ज़्यादा बिना वजह मतलब ऐसे होना है कि जब क्वेश्चंस नहीं निकले तो नर्वस होना है। तो इस चीज़ को आप एग्जाम में अप्लाई कर पाओगे, इसकी क्या गारंटी है, अब मैं आपको समझा तो रहा हूँ। तो इसीलिए ताकि आप उस चीज़ को अप्लाई कर पाओ, तो उसको विजुअलाइज करो, विजुअलाइज इट टू गेन एक्सपीरियंस। मतलब विजुअलाइज कैसे, अब एक बार आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके अब मैं सिर्फ एक बार आपको विजुलाइज करवा दूंगा, उसके बाद आपने क्या करना है, 4-5 बार विजुलाइज करना है, कैसे वो भी मैं बताऊंगा। तो आंखें बंद कर लो, इमेजिन करो कि एग्जाम स्टार्ट हो गया, तो आपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया,
इमेजिन करो आपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट किया, तीन चार क्वेश्चंस आपने निकले आपसे, आप निकालते गए, चौथा क्वेश्चन आपसे नहीं निकला, पांचवा क्वेश्चन भी नहीं निकला। हो सकता है ना एग्जाम में, कौन सी बड़ी बात है, क्या आ रही है बटोगे आप? हो सकता है और होएगा, सबके साथ होता है, 100 में से 100 करने वाला ही है जिसके साथ ऐसा नहीं होता, और 100 में से जो 100 करता है पहले राउंड में तो उसके साथ भी होता है, वो सारे क्वेश्चन एक राउंड में नहीं करता है, तो डेफिनेटली सबके साथ होता है इसका मतलब, तो कई क्वेश्चन नहीं निकलेंगे, तो दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। उसको दिमाग में नहीं बैठाना कि अच्छा दिन नहीं आया ये सब बातें, तो 2-3 क्वेश्चन आपसे नहीं निकले, आगे फिर क्वेश्चन निकलते गए, फिर एकाधे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम है, आप नर्वस हो, आपको ऐसे लगेगा कि पता नहीं कौन सी दुनिया से आ गए, तो ये मत सोचो, जब आप अगले राउंड में आओगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए काम करके तैयार मिलेगा, और उस वक्त आपसे सोल्व होंगे उनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन, अगर आपने अपना स्टेट ऑफ माइंड खराब नहीं किया तो, कि पता नहीं आज क्या ही हो गया, समझ गए। अब आप आगे बढ़ते गए और आपने क्या किया, आपने उन क्वेश्चंस को नहीं हाथ लगाया जो आपका टाइम वेस्ट कराने वाले थे, आपने सिर्फ इजी 100 में से 65 इजी क्वेश्चन, आपने 35 क्वेश्चन छोड़ दिए हो, 35 क्वेश्चन, और आपने ये काम आधे टाइम में 1 घंटे के अंदर कर लिया। क्यों नहीं कर सकते, एग्जाम के सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चंस आप कर सकते हो, 65 क्वेश्चन 60 मिनट में, कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा मैं, एक क्वेश्चन को 1 मिनट से थोड़ा कम टाइम मिला है बस, और साथ में आपने बाकी के 35 क्वेश्चन पढ़ भी लिए, आपको क्वेश्चन देखकर थोड़ा सा देखकर अंदाजा भी हो जाएगा। अब आपकी स्क्रीन पर 65 क्वेश्चंस हरे हरे आ रहे हैं, ये आपने अटेम्प्ट कर दिए हैं, बाकी क्वेश्चन वाइट आ रहे हैं आपके कंप्यूटर पर, जहाँ पर हम क्वेश्चन देखते हैं ना कितने अटैम्प्ट किए हैं, अब आप जहाँ पर वाइट आ रहा है, और अगर आपको बीच में कुछ ऐसे क्वेश्चन मिले हों कि आपको पता था आप गारंटीड कर लोगे लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपने उनको क्या कर दिया, मार्क एंड रिव्यू भी करके आप आए थे, मार्क एंड रिव्यू कि भी बाद में रिव्यू करना है, तो अब आप उन क्वेश्चंस को कर रहे हो, ठीक है। तो अगला क्या होगा, फिर आप कुछ टाइम इन्वेस्ट करके कुछ और क्वेश्चंस को कर लोगे, फिर आप फिर से स्टार्टिंग से राउंड लेने लग जाओगे उन क्वेश्चंस का जो बिल्कुल ही आपसे निकलने की उम्मीद नहीं थी, उनके ऊपर सिर्फ उन क्वेश्चंस में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे जहां पर आपको लगता था कि शायद ये मैं कर लूँगा। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहाँ पर आपको लगेगा नहीं हो पाएंगे, उनमें से भी कई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर थोड़ा सा लगता है कि ये हो सकते हैं, उनमें आप टाइम इन्वेस्ट करोगे। मतलब स्कोर हमने अचीव करना है लेकिन एक स्टेप में नहीं, कई स्टेप्स के अंदर। तो ये चीज़ मैंने आपको विजुअलाइज करवाई है ना, तो इसको 4-5 बार आँख मूंद के विजुअलाइज करो कि एग्ज़ाम में क्या विजुअलाइज करना है, मेरी बात ध्यान से सुनो, कि एग्ज़ाम में ऐसा भी हो सकता है कि 8 क्वेश्चन मेरे से लगातार ना निकले, या ऐसा भी हो सकता है कि भाई निकलते जाएँ, सिर्फ 2-3 बीच में ना निकलें, फिर 2-3 ना निकलें, फिर 2-3 ना निकलें, ठीक है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में स्टार्टिंग में बहुत सारा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एंड में इजी क्वेश्चन है, तो आपने सारी सिचुएशन एक बार विजुलाइज कर लेनी है और अपना एक्शन विजुलाइज कर लेना है कि उस सिचुएशन में मैं क्या एक्शन लूँगा, मैं नर्वस नहीं होऊंगा। और हमारे दिमाग को, आपको एक इंटरेस्टिंग स्टडी बताऊँ, ये एक स्टडी हुई थी कि हमारे दिमाग को एक्चुअल में जो हम विजुलाइज करते हैं और उस चीज़ को जब हम एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हैं उसके बीच में फ़र्क नहीं पता होता। तो ऐसे आपको एक्सपीरियंस गेन होएगा, 4-5 बार इसको विजुलाइज कर लोगे तो ये चांसेस हो जाएंगे कि आप वहाँ पर गलत डिसीजन नहीं लोगे, क्लियर है। तो अब इन सारी बातों को लगा लेना मेरे भाई एग्जाम में, इस टाइम को वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। और अब मैं एक और बात जाते जाते कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ये बातें पसंद आई हैं और आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और सब्सक्राइब करने के बाद जब भी मेरी वीडियो आए, आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले, तो उसके बाद आप बेल आइकन दबा दीजिएगा, और एंड्रॉयड ऐप जो ईवन कोचिंग सेंटर की है उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर भी कई सारी काम की चीज़ें हैं। सी यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो।